एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दबंगों और माफियाओं पर हंटर चलाते हुए उन्हें नेसत नाबूद करने पर तुली है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी में खुलेआम दबंगई कर जनता में खौफ पैदा किया जा रहा है। अभी बीते दिनों संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में चारा काटने के विवाद में चचेरे बहनों को लाठी से खुलेआम पीटा गया था, तो वहीं आज मोहनगंज थाना क्षेत्र के पूरे गुलाम सिंह गांव में खुलेआम दबंगों ने तांडव करते हुए पीड़ित के गौ आश्रय स्थल में लगे टीन शेड को तोड़ गड्ढे में फेंक दिया है। दबंगों की दबंगई को देख पीड़ित के परिजन विरोध करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। इस दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि सरकार के मंशा अनुरूप इन दबंगों पर अमेठी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वहीं नेशन वन संवाददाता ने वायरल वीडियो को ट्विटर पर एसपी अमेठी, यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए पोस्ट किया, तो अमेठी पुलिस ने जवाब देते हुए बताया कि थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। नेशन वन के लिए अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।